नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी के 9 दोस्त नेपाल यात्रा पर गए थे, वहां फ्लड आने पर वहीं पर फंस गए थे, जिसके कारण सांसद, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ने संपर्क कर हेलीकॉप्टर से उन्हें बचाया। 3 दिन से नेपाल में फंसे पारडी के दोस्त कार वहीं छोड़कर घर लौटने के लिए निकले। धर्मपुर के मधुरी गांव में मुर्गों का शिकार कर रहा तेंदुआ एक कुएं में गिरा। वन विभाग द्वारा 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिलवासा बालाजी जेम्स सोसाइटी से गंदा पानी, सार्वजनिक रोड पर निकालते लोग हुए परेशान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पार्टी के 9 दोस्त नेपाल यात्रा पर गए थे, वहां फ्लड आते वहीं पर फंस जाते। संसद, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ने संपर्क कर हेलीकॉप्टर से बचाया गया। पारडी तालुका के वकील सहित 9 युवा मित्र नेपाल पशुपति मंदिर की यात्रा पर कार से गए थे। उस समय नेपाल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में स्थानीय लोग और यात्रा पर गए भारतीय सहित अन्य लोग मुश्किल में पड़ गए थे। साथ ही मुख्य सड़कें बंद हो गई और हवाई यात्रा भी बाधित हो गई, जिससे पारडी तालुका के खड़की के एडवोकेट मितेश भंडारी, कोटलाव के जिगर भंडारी सहित 9 मित्र वहां 3 दिनों तक फंसे रहे। वे मुश्किल में पड़ने पर पूरी घटना की जानकारी लोकसभा के सांसद और वलसाड डांग के सांसद धवल पटेल को दी। गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री कनुभाई देसाई यूक्रेन युद्ध के दौरान रेस्क्यू करने वाले विवेक सिंह से संपर्क कर कमांडो से संपर्क किया और एडवोकेट चांदनी विजय शाह सहित अन्य के योगदान से सभी यात्रियों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा कर्मियों द्वारा रेस्क्यू किया गया। पूरी घटना के बारे में पारडी कोटलाव के भाजपा आईटी सेल के इंचार्ज ध्रुविन पटेल ने बताया कि हेलीकॉप्टर द्वारा सभी फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। पारडी के मित्र नेपाल में बाढ़ में फंसी कार छोड़कर वापस वतन लौट रहे हैं। पारडी के एडवोकेट सहित मित्रों ने सांसद धवल पटेल, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री कनुभाई देसाई का आभार व्यक्त किया। हेलो, वैसे क्या बता, चलो सरस सर बता केम छो, केम छो भाई? हाँ बदा आवी गया छे ने अपना बदा लोको? हाँ ओके ओके ओके। हाँ कहीं नहीं, बराबर जजो ने कहीं भी हो तो फोन कर जो पाचा। हाँ ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पाचा आओ पची आओ पार्टी वलसाड एटले मळीए बधा। चलो ओके 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 ओके, चलो थैंक यू जी। सौने नमस्कार। आपणा पार्टी ना 9 લોકો નેપાલના પશુપતિનાથના મંદિરના દર્શને ગયા હતા। એ 9 લોકો અહીંયાથી કાર લઈને નેપાલ ગયા હતા અને ત્યાં નેપાલમાં જે પૂરની પરિસ્થિતિ છે એમાં એ લોકો ફસાઈ ગયા હતા અને એ કારમાં જ આ 9 લોકો રહેતા હતા અને એમને અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠવાનો પણ સમય આવ્યો હતો। એની સાથે બીજા 6-7 જેટલા બીજા રાજ્યના ભારતીયો અને નેપાલના લોકો પણ ત્યાં ફસાયા હતા અને કાલે એમણે મને જાણ કરી કે આવી આવી પરિસ્થિતિમાં એ લોકો છે। એ તરત એમને બાંહેધરી આપી કે અમારી કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર એમની સાથે ઉભા રહેશે અને જે જે સહાયતા એમને કરવાની છે એ અમે કરવા ઉપલબ્ધ છે। અને તરત જ આ વસ્તુની જાણ થતાં એમના ફોન નંબર અને લોકેશન લઈને મેં આપણા દેશના હોમ મિનિસ્ટ્રીમાં ત્યાં મોકલાવી। અમિતભાઈ શાહ જે આપણા દેશના યશસ્વી ગૃહમંત્રી છે એમણે આ વસ્તુ સંજ્ઞાન લીધું અને તરત જ એમની ટીમને આદેશ કર્યો કે આપણી ઇન્ડિયન એમ્બેસી ઇન્ડિયામાં અને નેપાલમાં એમને તરત આ લોકોને જાણ કરી ત્યાં આપણા નેપાલ ગવર્મેન્ટ જોડે કોર્ડિનેશન કર્યું અને લોકોને પણ ત્યાં એમને રિક્વેસ્ટ કરી કે ત્યાં જે સમય જે જગ્યા પર છો ત્યાં જ તમે રહેશો, હલશો નહીં। અને તરત જ આજે સવારના આપણા જે નેપાલની ગવર્મેન્ટ છે
ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટની સાથે કોર્ડિનેશનમાં રહીને મિલિટરીએ ત્યાંથી રેસ્ક્યુ પણ કર્યા, હેલિકોપ્ટરમાં બેસાડીને એને ત્યાં હમણાં ઇન્ડિયન એમ્બેસીમાં લઈ ગયા છે. ઇન્ડિયન એમ્બેસીમાં ત્યાં ફ્રેશ થશે, એમનું ચેકઅપ થશે અને જે જે સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવાનું કામ છે બધું આપણે ઇન્ડિયન એમ્બેસી કરશે અને પછી એ લોકો બધા લોકો આપણા સુરક્ષિત અને સફળ રીતે આપણા ભારત પહોંચવાના છે. આના માટે ખાસ કરીને આપણા દેશના ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપવા માંગુ છું કે તરત જ જેવી મેં વસ્તુની જાણ કરી એવી તરત જ એમણે સંન્યાસમાં લઈને મારા વલસાડ લોકસભાના અંતર્ગત આવતા પાર્ટીના લોકોને જે જીવ બચાવવાનું કામ આપણા હોમ મિનિસ્ટર અમિત શાહજીએ કર્યું છે એના માટે હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને સાથે નેપાલ ગવર્મેન્ટનો પણ ધન્યવાદ આપવા માંગુ છું કે અમારા ભારતના લોકોને એમણે બચાવ્યા એના માટે હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આવનારા દિવસોમાં જ્યારે પણ મારા વલસાડ લોકસભાના લોકો દુનિયા કોઈના કોણ કોઈ પણ ખૂણામાં ફસાયો ત્યારે હું પોતે અને મારી ભારતની સરકાર અને રાજ્ય સરકાર હંમેશા એમના માટે ઉપલબ્ધ રહેશે મદદ કરવા. ધરમપુર કે મધુરી ગાંવ મે મુર્ગો કા શિકાર કર રહા તેંદુઆ એક કુએ મે ગિરા. ધરમપુર તાલુકા કે મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર કે પાસ સ્થિત આંતરિક ક્ષેત્ર મે પાંગરબારી રેન્જ ફોરેસ્ટ ક્ષેત્ર કે મધુરી ગાંવ મે એક વિશાળ તેંદુઆ શિકાર કી તલાશ મે આ પહોંચા. गांव में स्थित कुएं के पास रहने वाले पशुपालक ने पाले हुए मुर्गे को कुएं के पास स्थित आम के पेड़ पर बने पिंजरे में रखा था. शिकार की तलाश में आए तेंदुए ने आम के पेड़ पर पिंजरे में बंद मुर्गे के पास पहुंचने की कोशिश की. मुर्गे का शिकार करने के प्रयास में तेंदुआ आम के पेड़ से कुएं में गिर गया. गांव में रहने वाली महिला जब कुएं में पानी भरने गई तो उसने तेंदुए को कुएं में गिरा हुआ देखा. महिला ने तुरंत स्थानीय नेताओं और पशुपालकों को घटना की जानकारी दी. कुएं में गिरे तेंदुए को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए. सूचना मिलने पर पांगरबारी वन विभाग मौके पर पहुंचा. इसके बाद 2 घंटे की मेहनत के बाद कुएं से तेंदुए को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया. वन विभाग की टीम ने पशु चिकित्सक से तेंदुए की जांच करवाई और उसे वन्य क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा. सिल्वासा बालाजी जैन सोसाइटी से गंदा पानी सार्वजनिक रोड पर निकालते लोग परेशान. सिल्वासा के रिंग रोड के पास स्थित बालाजी जेम्स सोसाइटी के निवासियों ने पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की है और सोसाइटी के पास स्थित झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं. जब सड़क की सफाई चल रही थी तब बालाजी सोसाइटी ने मीडिया को बुलाकर कवरेज शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि हमने बालाजी जेम्स के पास रेत से पानी सड़क पर फेंकने के लिए बुलाया था और हमने मोटर चालू की थी और यह हमारी गलती नहीं है, लेकिन यह स्थिति वर्षों से चल रही है. बिल्डर ने कोई चैम्बर नहीं बनाया है और सोसाइटी के लोग इस वजह से परेशान हैं. हमको बता दो बस क्या चीज़. भाई मैं तो सिक्योरिटी हूँ, मैं 2-3 दिन हुआ अभी पहले, मेरे को उतना नहीं मालूम है. सांप का नंबर दिया ना उनको. हाँ, सांप का नाम क्या है? शैतान सिंह बोलता. अच्छा, वही का काम करवा रहा था. सोसाइटी का देखरेख वही करता है, वही अध्यक्ष है. वही है, मेरे को भी ज्यादा दिन अभी 2 दिन हुआ है. ये कब से चालू है पानी छोड़ने का काम? आज तो मेरे को सुबह में देखा. आज सुबह से चालू है? रोज होता है क्या ऐसा? ये आजू बाजू पड़ोसी लोग बोल रहे थे कि हर 8 दिन बाद छोड़ते, 8-10 दिन बाद. बहुत बार छोड़ते, घर में जाके देखो ना तुम लोग. अच्छा, तो यहाँ कोई नगर पालिका का अधिकारी नहीं आया, नवाब ने सूचना दिया? हम लोग बोल नहीं सकता है, जाने दे ऐसा करके. सबका मजबूरी में रहता है, ऐसा करके बोलता नहीं है. हम लोग गरीब पड़ गया है इसलिए हम लोग बोल सकता नहीं है. लोग बड़े लोग हैं, कैसा डबा के भी करेगा, हम लोग क्या करेंगे. अच्छा, इसीलिए डर के मारे आप बदबू का सहन करते हैं? डर मारे से घर में जाके देखो हम लोग कितना बास मारते हैं. ये क्या नाम है सोसाइटी का? सोसाइटी बालाजी. अच्छा, तो सोसाइटी के मेंबर जो है कोई नहीं विरोध कर रहा है इसका? अभी हम लोग बोला नहीं है, ये लोग का जाने दे, अभी खाना को मन नहीं लगता है खाने का. अच्छा, ऐसी स्थिति है. करेगा क्या, ये साल में गया, साल में पूरा ऐसा ही था. ये महीने में जैसा नवरात्रि बैठा ऐसा ये महीने में था. अच्छा, गया साल में पूरा ऐसा. मान ली छोड़ते ही है 8 दिन में, हफ्ते में, साल में. क्या करेगा. ओके, गलत साइड पटरी पार करने वाले लोगों को यमराज ने पकड़ा. वलसाड रेलवे स्टेशन पर पिछले काफी समय से ट्रेन की चपेट में आकर लोग जान गंवा रहे हैं. खासकर
ट्रेन से उतरते समय गलत साइड से पटरी पार करने वाले यात्री अक्सर ट्रेन के साथ दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस बारे में यात्रियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से वलसाड रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग द्वारा लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया, जिसमें यमराज के वेश में दो युवकों ने ट्रेन से गलत साइड से उतरते यात्रियों को पकड़ लिया। इस कार्य में वलसाड एरिया मैनेजर डॉक्टर मनोज बारहट ने मंजूरी दी थी, जिसमें स्टेशन मैनेजर आरसी मीना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट अजय पाल सिंह, चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर अनिल बारिया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार, डीएफसीसीआईएल हरदेश सिंह और विजेंद्र सिंह, वलसाड रेलवे स्टेशन पर कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता अशफाक भाई शेख सहित वलसाड रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मचारी उपस्थित थे। अभी जो है रेलवे में जो है दो पटरियां हो गई हैं, एक पैसेंजर ट्रेन के लिए हो गई है, एक मालगाड़ी के लिए। मालगाड़ी का जो है अभी संचालन चालू हो गया है, उसमें गाड़ी जो है हाई स्पीड से आती है, 100 से ऊपर की स्पीड में आती है, और उसमें जो है जो क्रॉस करता है उसको पता भी नहीं चलता कि ये गाड़ी आ रही है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी में जो है इंजन इतने मतलब पावरफुल हैं, और दूसरा जो है साइलेंट बिगर आवाज वाले हैं जो पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो है ये नए जो ट्रैक को जो संचालन किया गया है इसके ऊपर भी ध्यान से कोई अगर जाता है तो ध्यान रखे, बाकी तो ट्रैक क्रॉस करना ही नहीं है। भाई मैं एक कार्यक्रम आरपीएफ डीएफसी टीम के द्वारा सूरत में किया गया, नवसारी किया गया, आज वलसाड भी किया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए, न वो पटरी पार करें न करने दे। हम मनोरंजन के रूप में यमराज नहीं बना हूँ, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज बना हूँ, और वो अपना कर्म करते हुए पटरी पार न करें, न करने दे, न पटरी पर गंदगी करें, यही हमारा उद्देश्य है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक शेख है, मैं वलसाड स्टेशन पे हाउसकीपिंग सब कॉन्ट्रेक्टर हूँ और एक वलसाड का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मतलब भाई किस प्रकार का आज कार्यक्रम रखा गया था और वो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कुछ समय पहले ये डीएफसीसीआईएल वाले ने नवसारी में प्रोग्राम रखा था और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसे देख के मैंने वलसाड के सब डिविजन के जो हमारे एरिया मैनेजर हैं उनसे मैंने बात किया कि सर ऐसा ऐसा प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे परमिशन दिया, फिर मैंने इन्होंने कॉन्टेक्ट किया लोग से। हेलो हेलो हेलो, हाँ सतीश मिश्रा हैं, अवधेश दुबे हैं, मनीष मिश्रा हैं, इनसे कॉन्टेक्ट किया कि हमें वलसाड में भी ऐसा प्रोग्राम करना है। फिर हमारे जो वलसाड के जो आरपीएफ हैं, जीआरपी हैं, रेलवे स्टाफ हैं, उस सबका कॉपरेट अच्छा रहा और आज ये प्रोग्राम किया हमने। समय से पहले आपको
जाते हो? अरे किस्मत पर बोल, कहाँ रहते हो? कपराड़ा के कुलवेरा हिल स्टेशन पर बाइकर्स युवाओं ने स्टंट करते हुए अन्य लोगों के चीयर करने का वीडियो वायरल। वलसाड जिले में मॉनसून के दौरान हिल स्टेशनों पर राइडिंग या स्टंट करने पर प्रतिबंध लगाया गया था, फिर भी कुछ युवा सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं। तब कपराड़ा तालुका के कोलवेरा हिल स्टेशन पर बाइकर्स द्वारा स्टंट किए गए थे। कोलवेरा में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हुए थे और कुछ युवकों ने अपनी बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए अन्य युवाओं को चीयर करते देखा गया। हिल स्टेशन पर खतरनाक स्टंट करना कितना उचित है, ऐसे प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। एक महीने पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर यह वीडियो अपलोड किया गया था। इन स्टंट करने वालों के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे। पारडी के टुकवाड़ा में जुआ खेलते पांच जुगारी रंगे हाथों पकड़े गए। पारडी के टुकवाड़ा में पैसे से तीन पत्ती का जुआ खेलते वापी पारडी के पांच व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ा। पारडी तालुका के टुकवाड़ा रेनॉल्ट शोरूम के पास स्थित नवीन भाई की चाल के कमरे में कुछ जुआरी जुआ खेल रहे थे। इस सूचना के आधार पर पारडी पुलिस की टीम ने मौके पर छापा मारा और पांच जुआरी जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़े गए। इनमें तौफिक जहीर खान निवासी वापी गीतानगर, अब्दुल रहमान कैसियत खान निवासी वापी छिरी, समोद जवाहरलाल हरजन निवासी सलवाव वापी, मनोज कमलेश बिंद निवासी बलिथा वापी और सागर बिजेंद्र यादव निवासी टुकवाड़ा पारड़ी शामिल है। इन सभी को पकड़ लिया गया और इनके पास से दाव के 1600 रुपए, उनके पास मौजूद 19,390 नकद, पांच मोबाइल फोन मिलाकर कुल 41,990 का माल जब्त किया गया और जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है। वापी पारड़ी के तौफिक खान, अब्दुल खान, समोद हरजन, मनोज बिंद, सागर यादव को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी के 9 दोस्त नेपाल यात्रा पर गए थे, वहां फ्लड आने पर वहीं पर फंस गए थे, जिसके कारण सांसद, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ने संपर्क कर हेलीकॉप्टर से उन्हें बचाया। 3 दिन से नेपाल में फंसे पारडी के दोस्त कार वहीं छोड़कर घर लौटने के लिए निकले। धर्मपुर के मधुरी गांव में मुर्गों का शिकार कर रहा तेंदुआ एक कुएं में गिरा। वन विभाग द्वारा 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिलवासा बालाजी जेम्स सोसाइटी से गंदा पानी सार्वजनिक रोड पर निकालते लोग हुए परेशान। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए तमन न्यूज़। नमस्कार।